गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस क्लास इज़ फॉर नाइन्थ ग्रेड, सब्जेक्ट इज मैथ्स. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर टू, सॉरी चैप्टर नंबर टू, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. सो व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लियर द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज, इन दिस वीडियो वी विल जस्ट क्लियर द कंसेप्ट ओनली. ओके, सो here you know already principal, one word will be will come here, principal, then interest, time, okay, then amount. These words will come in your chapter. Principal bache, suppose you are borrowing money from someone और फ्रॉम द बैंक. ठीक है, आपने कुछ पैसे उधार लिए हैं जा किसी को दिए हैं. ठीक है, तो जा बैंक से लोन ले रहे हो, जा किसी पर्सन से लोन ले रहे हो, दैट मनी इज नोन एज प्रिंसिपल. इट इज सम बोरोड. ठीक है, सम बोरोड इज नोन एज प्रिंसिपल. देन व्हाट इज इंटरेस्ट? Suppose you are borrowing 5,000 rupees for 2 years. ठीक है, you just commit that person कि please give me 5,000 rupees for 2 years. I will return you after 2 years. ठीक है बच्चे, so suppose you are paying 6,000. आपने 2 साल के बाद उसको 6,000 rupees दिए हैं. ठीक है, तो 6,000 एक्स्ट्रा मनी हो गया. ठीक है, 6,000 माइनस 5,000, बट आपने लिए 5,000 थे, तो आपका 1,000 रुपीज़ क्या हो गए बच्चे? एक्स्ट्रा. सो दिस एक्स्ट्रा मनी इज नोन एज इंटरेस्ट. ओके, वट एवर यू आर पेइंग एक्स्ट्रा, दैट मनी इज नोन एज इंटरेस्ट. एंड फॉर हाउ मच टाइम? That is known as time period. Okay जी, amount बच्चे जो आपका ये 6,000 आपने return किया. ठीक है, after 2 year. Clear है? तो amount का हमारे पास formula हो गया बच्चे, principal, short form is P, and short form of interest is I. ठीक है, so amount is equal to P plus I. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. नाउ इंटरेस्ट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. ये दो टाइप का बच्चे होता है इंटरेस्ट. वन इज सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एंड वन इज कंपाउंड इंटरेस्ट. क्लियर? इंटरेस्ट इज ऑफ टू टाइप्स. One is simple interest and another one is compound interest. Simple interest बच्चे जो भी उसमें time जितना भी आपको time दिया है उस time का ही आपको means वही calculation करनी होती है. ठीक है, by applying simple formula. जो बच्चे compound interest है, it is added after every 1 year. ठीक है, 1 year, अगर 1 year का interest लग रहा है, ठीक है, तो 1 year का अगर हाफ ईयर लिया, क्वार्टरली भी बच्चे होता है. ठीक है, सेमी एनुअली मीन्स आफ्टर 6 months. जो भी आपको इंटरेस्ट बोला गया है कि जब एनुअली लगेगा तो 1 साल बाद लगेगा, अगर सेमी एनुअली बोला है तो 6 months के बाद लगेगा. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट यू कैन कैलकुलेट बाय अप्लाइंग फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट. एस आई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, That is P into R into T upon 100. और कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चे क्या होता है, हर एक साल में, जैसे टाइम इज 2 years. ठीक है, तो हमने फर्स्ट ईयर का अलग कैलकुलेट करना है, सेकेंड ईयर का अलग कैलकुलेट करेंगे. लेट अस सॉल्व वन एग्जाम्पल. तो वी विल सॉल्व हेयर फर्स्ट क्वेश्चन. सपोज फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन इन्वेस्ट रुपीज
5600 एट 14%। 14% बच्चे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। 14% परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, मतलब फॉर एवरी 100 रुपीज यू हैव टू पे 14 रुपीज एक्स्ट्रा, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। तो हेयर आई फॉरगेट टू टेल टू यू व्हाट इज एक रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। क्लियर दिस वन? तो बच्चे परसेंटेज का मीनिंग आउट ऑफ 100 14 रुपीज आर यू आर पेइंग एक्स्ट्रा। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, तो टाइम बच्चे हो गया 2 ईयर। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट इज द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। अपने फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बाय जस्ट अप्लाइंग फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देन इज अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। सपोज हेयर पी इज इक्वल टू रुपीज 5600 एंड आर इज 14%, देन योर टाइम इज 2 ईयर्स, ठीक है बच्चे। हेयर वी विल कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे करना है? 2 साल का टाइम है बच्चे, एवरी ईयर का आपने अलग फाइंड करना है। देन यू विल मेक द हेडिंग फॉर फर्स्ट ईयर। फॉर फर्स्ट ईयर पी इज रुपीज 5600, आर इज 5600 रुपीज एंड आर इज 14%। टाइम यू विल टेक 1 not 2, ठीक है। टाइम टोटल आपको 2 ईयर्स दिया हुआ है, देन आपने 1 ईयर लेना बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग फॉर ईच एंड एवरी ईयर सेपरेटली, ठीक है। देन आई इंटरेस्ट सिंपल फॉर्मूला लगा दो, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पी हो गया बच्चे 5600 रुपीज मल्टीप्लाई आर इज 14, टाइम इज 1 अपॉन 100। तो बच्चे 0 के साथ 0s कैंसिल, देन मल्टीप्लाई 56 विद 14 मल्टीप्लाई कर लो, 4 6 24 20 22 then 6 5 4 8 7, देन योर आंसर इज 784। ये बच्चे इंटरेस्ट हो गया। देन वी विल फाइंड अमाउंट आफ्टर द एंड ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। दैट्स फॉर्मूला इज पी प्लस आई। तो पी हो गया बच्चे 5600 प्लस 784 इंटरेस्ट प्लस कर दो, ठीक है। 5600 6384 रुपीज़। अब जो बच्चे आपने फिर सेकंड ईयर के लिए करना है, फॉर सेकंड ईयर, ओके। तो बच्चे जो आपने अमाउंट फाइंड किया है ये आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गया टिल द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो ये वाला अमाउंट अब आपके लिए प्रिंसिपल हो जाएगा सेकंड ईयर के लिए, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जो भी बैंक है या किसी पर्सन से आपने लोन लिया है उसने आपको 1 साल का अमाउंट बना के दे दिया कि 1 साल के बाद आपने इतने पैसे रिटर्न करने हैं। तो फिर नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया, ठीक है। अब आपका जो ये अमाउंट है दैट विल बी द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। क्लियर दिस थिंग? तो आर सेम है, समटाइम्स आर इज डिफरेंट, ठीक है। उसे बोलते हैं सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर के लिए सेपरेट होगा, सेकेंड ईयर के लिए सेपरेट। अगर टाइम 3 ईयर्स है देन देयर विल बी डिफरेंट इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। कई अगर आपको 1 टाइम गिवन है तो आपने सारी जगह वही यूज़ करना है। अगर आपको अलग अलग इंटरेस्ट दिया हुआ है बच्चे देन यू विल यूज़ दैट इंटरेस्ट फॉर एवरी ईयर डिफरेंटली, ठीक है। देन टाइम अगेन यू विल यूज़ 1। तो बच्चे आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, ऑलरेडी यू नो आई एम डायरेक्ट कैलकुलेटिंग हेयर, 6384 इंटू 14
इंटू वन अपॉन हंड्रेड। ठीक है बच्चे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, देन डिवाइड बाय हंड्रेड, या आप कटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। देन अगेन अमाउंट पी प्लस आई, पी कितना है बच्चे 6384, और जो आपने यहाँ से इंटरेस्ट फाइंड किया वो उसमें ऐड कर लो, ये आपका हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, एट द एंड ऑफ टू ईयर्स, फिर देन यू हैव टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर वो ए जो आपका लास्ट में आया उसमें पी क्या कर दो, जो आपका स्टार्टिंग में था वो माइनस कर दो, दैट विल गिव यू द कंपाउंड इंटरेस्ट। आई थिंक कंसेप्ट इज क्लियर टू यू बच्चे, ट्राई क्वेश्चंस बाय योर सेल्फ। ठीक है, अपने आप वैल्यूज लेके अपने आप ट्राई करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सो इन दिस वीडियो आई जस्ट क्लियर द कंसेप्ट, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।